हेलो बच्चों, अभी जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन चल रहे हैं और सबके सब घरों के अंदर बंद हैं, तो जो 9th क्लास के बच्चे हैं जो अब 10th क्लास में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत कम टाइम बचेगा अपना सिलेबस कंप्लीट करने में और उसको वापस रिवीजन करने के लिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम्स होंगे वो तो मार्च में ही होंगे। तो उन बच्चों के लिए मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस के लेक्चर्स में डालूंगी डेली बेसिस पे, और प्लस प्रैक्टिस करने के लिए शीट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी बच्चे अपने इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो वो इस चैनल पे आकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, तो सीबीएसई बोर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो आज हम लोग रियल नंबर्स से शुरू करेंगे। छोटी क्लासेस में लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 भी आ जाता है, राइट। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सब आ जाते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी इसमें फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे पाई हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हुए, डेसिमल नंबर्स हुए, वो सारे इरेशनल कहलाते हैं। वो इरेशनल होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, बट स्टिल दे आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, राइट। तो अब जो आपके सिलेबस में है हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में यूलर्स थ्योरम दिया हुआ है, यूलर्स डिवीजन लेमा दिया हुआ है। यूलर्स डिवीजन लेमा है क्या, हम लोग इसे देखते हैं। तो यूलर्स डिवीजन लेमा देखिए, जो बेसिक मैथ्स के हम लोगों ने डिवीजन पढ़ा होता है क्लासेस में, डिवीजन क्या होता है, देखिए डिवीजन अब बहुत बेसिक सा, जैसे 10th 3 से डिवाइड करना है हमें 10 में। 3 क्या हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये आ गया 9 और ये क्या हुआ 1, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1। अब ये चीजें हमको पता है बचपन से, ठीक है, बचपन से मतलब जब आपने पढ़ना शुरू किया, जब आपने डिवीजन सीखा तो आपको पता है कि डिवीजन कैसे करना है, बट इसको बोलते क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। अब लेमा एक नया वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, तो लेमा क्या होता है, लेमा मतलब एक हमने स्टेटमेंट मान लिया कि हाँ ये स्टेटमेंट सच है और उसके ऊपर हमने बाकी के और एल्गोरिथम्स प्रूफ किए, राइट। तो एक स्टेटमेंट एक बेस लेके चले, उसको हमने माना दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रुथ, एंड आफ्टर दैट ऑन बेसिस ऑफ दैट लेमा हम बाकी के एल्गोरिथम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लेमा। तो ये एक लेमा है यूक्लिड डिवीजन का। अब देखिए, अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, तो अगर हम ए में डिवाइड करते हैं बी से, ठीक है, तो इफ हम ए में बी से डिवाइड करें, ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन आएगा क्यों, और सॉल्व होने के बाद कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर ए बी, अगर बी ए का कोई फैक्टर है तो ये रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी को हम इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, जहाँ पे R क्या होता है, R रिमाइंडर है, A क्या है, देखिए A क्या है, A डिविडेंड है, B क्या है, डिविजर है, Q क्या है, क्वेश्चन है, और R क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। हेंस द वैल्यू R कैन बी टेकन, देखो R की वैल्यू क्या होगी, जीरो से या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, ठीक है ना। अगर इक्वल होगी तो B इज अ फैक्टर ऑफ A, और अगर ग्रेटर देन होगी तो मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे, बट आर की वैल्यू हमेशा बी से कम होगी, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर को जो भी आएगा वो कभी 3 नहीं आएगा,
ये 3 लिया हुआ ना, ये कभी 3 नहीं होगा, ये हमेशा लेस देन 3 होगा, ये 0 1 2 हो सकता है बट 3 नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 3, राइट। तो ये होता है यूक्लिड डिवीजन। अब इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं इसका? तो देखो, इसका यूज करते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में। और एल्गोरिदम क्या का क्या मतलब है, क्यों एल्गोरिदम यूज करते हैं? तो देखो, एल्गोरिदम हम यूज करते हैं जब हमें दो नंबर या मोर देन टू नंबर्स का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, राइट। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, वही सारी चीज दी हुई है, दो नंबर है सी एंड डी, सी इज ग्रेटर देन डी, अप्लाई द डिवीजन लेमा, तो क्यू और आर मिल जाएगा, क्वेश्चन हो गया, और ये क्या हो गया, आर रिमाइंडर हो गया, सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ पे गड़बड़ ये है कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड आर इज लेस देन बी, ठीक है। इफ आर इज जीरो द HCF इज बी, इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू डी एंड, ठीक है, समझ में आया ये चीज। अब देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं, मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है। ये एक एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम लिया है, यहाँ से देखिए दो नंबर इनपुट हो रहे हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक ये और एक ये, ये कंप्यूटर प्रोसेस, कंप्यूटेशन प्रोसेस चालू है, और क्या निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, इसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, ठीक। अब देखो इसको कैसे हम HCF से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 675 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। अब दो नंबर है, छोटा नंबर क्या है 81, बड़ा नंबर क्या है 675, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, देखो जब डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स डिवाइड होगा और 27 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं ना, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, देखो क्या यहाँ पे 675 से डिवाइड किया था ना, अब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं रिमाइंडर से हम उसी में डिवाइड करते हैं। देखो 81 में डिवाइड करते हैं 27 से, पहले क्या किया था, पहले किया था हमने 81 से 675, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर मिला था हमें 27 और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिला था 8। अब क्या करेंगे, 27 यानी जो रिमाइंडर आ रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, किसको, हम 81 को, ठीक है ना। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 होगा, ये होगा 81 और यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक, तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये हो जाता है HCF, ठीक है ना। ये देखिए अब जैसे रिमाइंडर आ गया, वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर एज अ रिमाइंडर बिकम 0 अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, इन दिस केस डिवीजर 27 इज HCF ऑफ 675 एंड 80। समझ आई ये चीज, ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, ठीक। अच्छा इसके बाद जैसे हम दो नंबर का निकालते हैं वैसे ही हम तीन नंबर का भी निकाल सकते हैं। थ्री नंबर का कैसे निकालेंगे, अगर तीन नंबर दिए हुए हैं ए बी सी, तो पहले हम ए और बी दो नंबर को लेंगे और उन दो नंबर को लेके उनका HCF निकालेंगे, फिर जो HCF आएगा और जो थर्ड नंबर है उनका हम अगेन HCF निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द HCF ऑफ 693, 567 एंड 441 यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पहले क्या किया इन्होंने, दो बड़े वाले नंबर लिए, कौन कौन से नंबर है बड़े वाले, 693 और 567, तो 567 से डिवाइड कर दिया 693 में, ऑब्वियसली एक ही बार डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो रिमाइंडर आया है 126, ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 126, ठीक। अभी 126 रिमाइंडर आ गया, अब 126 से डिवाइड करेंगे किसमें, इस डिवीजर में, ठीक है ना। तो 126 से डिवाइड करेंगे
567 में. तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 126 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर रहेगा 63. ये 4 टाइम्स गया और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 63. अब 63 से डिवाइड करेंगे किसमें, 126 में, ठीक है. तो ये 2 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, अब जैसे ही रिमाइंडर आ गया तो ये जो डिविजर था लास्ट वाला ये हो जाएगा हमारा HCF. HCF किसका, 693 और 567 का ये HCF हो जाएगा. ठीक है, कितना समझ में आया. अच्छा, अब ये HCF और जो लास्ट नंबर बचा कौन सा, 441, ये है 441 और ये है 63. अब इन दोनों का हम HCF निकालेंगे. तो 63 से 441 में डिवाइड करो, 7 टाइम्स आएगा और डायरेक्ट यहाँ पे 0 आ जाएगा. ठीक है ना, देखो 63 से 441 में डिवाइड किया तो ये 7 टाइम्स में 441 आता है और ये 0 आ गया. अब यहीं पे 0 आ गया तो 63 और 441 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 63. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 63. समझ में आया. ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ केवल ये HCF ही पढ़ा रही हूँ, इसका आप प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करके मुझे बताओ कि ये समझ में आया या नहीं. कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया है. इसके अलावा मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे रही हूँ, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है, और प्रैक्टिस करके मुझे बताना कि आंसर क्या है. कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देखो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना. ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन है जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं. अपना स्क्रीन पॉज करो, पॉज करने के बाद इनको सॉल्व करो. ठीक है, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे. ठीक है, मैं कल फिर आपको बताऊंगी कि इनके आंसर्स क्या है, आपका आंसर सही है या नहीं. ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और मेथड होता है HCF को रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म. ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं. इफ डी इज HCF ऑफ 30 एंड 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग d इज इक्वल टू 30x प्लस 72y. मतलब दिया हुआ है कि d जो है वो HCF है 30 और 72 का. ठीक है, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, d इज इक्वल टू 30x प्लस 72y. तो पहले क्या करेंगे, हम HCF निकाल लेते हैं. HCF आ कह रहा है, d की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, तो 72 में 30 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 12 रिमाइंडर आएगा. ठीक है, देखिए 72 में ये रफ वर्क, रफ नहीं करना है, फेयर पे मत कर लीजिएगा. ठीक है ना, वरना बोर्ड्स वाले मार्क्स बहुत अच्छे से कट करते हैं. 2 टाइम्स 60, रिमाइंडर कितना आया, 12. अब इस रिमाइंडर से इस डिविजन में डिवाइड करना है, 12 से 30 में डिवाइड करना है. ठीक है, तो ये अगेन 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना आया, 6. अब फिर इस 6 से इस डिविजन में डिवाइड करना है, 12. तो कितनी बार जाएगा, ये अलग अलग है, मिसमैच में कर लूंगा. 12 में डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, कंप्लीट. रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया. ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो डिविजर था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया. ठीक है, अब ये HCF हमको मिल गया है. तो अब देखो हमें इस HCF को, अब ये हमने स्टेप, ये स्टेप 1, 2, 3 किया है. ठीक है, अब हम 3 से वापस उल्टे स्टेप पकड़ेंगे और 6 को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ले आएंगे. डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई 6. 10 HCF ऑफ दिस इज 6 और ये है हमारा डी. अब d इज इक्वल टू 30x माइनस प्लस 72y था ना, तो अब देखो हम लोग उल्टी गंगा कैसे बनाते हैं, वापस 3, 2, 1 पे जाते हैं. ठीक है, कैसे जाते हैं ये देखते हैं, ये मैं हटा रही हूँ. ठीक, ये सारी चीजें. अब इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 3 से अगर 6 निकालना हो, या इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 से अगर 6 निकालना हो तो उसको क्या लिखेंगे. इक्वेशन 2 से अगर 6 निकालना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 6 is equal to 30 minus
12 इंटू टू ये लिखेंगे ना, ये 12 इंटू टू जो है ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 30 माइनस 12 इंटू टू। ओके अब देखो, अब यहां से हमें 30 चाहिए है, इस इक्वेशन में 30 और 72 है, देखो ये 30 है और 72 है, ठीक है, तो हमको 30 तो चाहिए लेकिन 12 नहीं चाहिए, 12 की जगह पे क्या चाहिए, 12 की जगह पे 72 चाहिए, तो हम इस 12 की जगह पे 72 वाला टर्म लाते हैं। तो देखो ये है यहाँ पे, ठीक, यहां से अगर हम 12 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, इस वाले इक्वेशन से, इससे 12 की वैल्यू आ जाएगी, 12 इज इक्वल टू 70 माइनस 30 इंटू टू। अब इस वैल्यू को उठा के हम कहां पे पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 30 माइनस, और ये हो गया 70 माइनस 30 इंटू टू, और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 200, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये समझ में आया, हमने यहाँ पे 12 की वैल्यू ये पुट किया था, फिर यहाँ पे देखो ये बचा 6 6 30 माइनस, अब देखो 72 तो माइनस का हो गया, और ये बाहर वाला 2 जो है ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 30 इंटू टू और इंटू टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है, अब एक ये 30 इंटू 1 है और एक ये 30 इंटू 4 है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 30 इंटू 5, और ये माइनस का 72 और इंटू 2, तो हमने क्या किया, प्लस का 72 कर लिया और 2 को माइनस में लिया है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस को माइनस ही हो जाएगा ना पहली बार, तो हम 2 को माइनस में लिया है, तो अब ये 6 किस फॉर्म में आ गया, 6 इस फॉर्म में आ गया, 6 इज इक्वल टू 30 इंटू 5 एंड प्लस 72, और 72 के ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस 2 से, तो अब जरा कंपेयर करो किसको किसको, इस इक्वेशन को और इसको, दोनों को कंपेयर करो, तो x की जगह पे क्या है 5 और y की जगह पे क्या है माइनस 2, ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 एंड माइनस 2, ठीक है, समझ में आया। अब इसको एक बार बिना देखे अपने आप से ट्राई करना, ठीक है, और उसमें हमने आपको अलग से कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, आंसर जो भी आता है उसको कमेंट करना, बताना मुझे आ रहा है नहीं, और नहीं भी आता है अगर डाउट हो तो बताना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, तो ये HCF का लीनियर फॉर्म था और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो ये है, मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, इन 2 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना। आज में इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही बता रही हूँ, HCF निकालने के मैंने मेथड बताया और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताया, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो आज की क्लास में इतना ही, जितना काम दिया है करने को वो करना जरूर, क्योंकि जब आप करोगे साथ में तो आपको समझ में आएगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आता है तो भी बताओ, समझ में आता है तो जो आंसर आता है वो भी बताओ। ओके बाय बाय।